दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पलांडू के बारे में। पलांडू मतलब पलति रक्षति शरीरम रोगेभ्य इति, मतलब जो रोगों से शरीर की रक्षा करता है उसे कहते हैं पलांडू। पलांडू जो कि हमारे रेगुलर खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हिंदी में इसे कहते हैं प्याज। और इसका लैटिन नाम है एलियम सेपा। दोस्तों प्याज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यह वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक जो लाल रंग के होते हैं और दूसरा जो सफ़ेद रंग के होते हैं। बड़ा और सफ़ेद रंग का प्याज को क्षीर पलांडू कहा जाता है। क्षीर पलांडू मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। साधारण प्याज जो लाल वाला प्याज होता है उससे भी ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये एक प्रसिद्ध आहार उपयोगी कंद है। ये लंबे मांसल रंभाकार होते हैं और हरे रंग का लंबा इसका पुष्पदंड होता है, जिसके अग्रभाग में सबरिंथ मूर्धज छोटे श्वेत पुष्प होते हैं। ये कभी कभी एक वो बादामी रंग का भी होता है, कभी कभी इनके साथ कलिका कंद भी दिखलाई पड़ता है। और फल सामान्य स्फोटो त्रिकोष्ठीय होता है, जिसमें छोटे और काले बीज भी होते हैं। ये लगभग पूरे भारतवर्ष में मिलता है। पलांडू कंद में प्रोटीन 1.2%, कार्बोहाइड्रेट 11.6%, कैल्शियम, लोहो, विटामिन ए, विटामिन वन, विटामिन सी, विटामिन B6 इत्यादि बहुत सारे बहुत ज़रूरत का माइक्रो एलिमेंट्स मिलता है। इसमें एलील प्रोफिल डाइसल्फाइड नामक तत्व होता है, जो कि स्थिर तेल है, एक तरह का दुर्गंधी उड़नशील तेल, जिसके कारण इसका गंध कभी कभी बहुत ज़्यादा कटु और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है। चलिए अब जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में, लेकिन उससे भी पहले इसके गुण और कर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गुण, इसका गुण है गुरु, तीक्ष्ण और स्निग्ध। ये विपाक में मधुर होता है। इसका रस मधुर और कटु रस के होते हैं और ईषत उष्ण वीर्य वाले होते हैं। ये इसका दोष कर्म होता है गुरु, स्निग्ध, मधुर और उष्ण होने की वजह से। ये प्रमुख बात सामक है, मतलब किसी भी तरह का बात को ये समन कर सकता है। गुरु, स्निग्ध और मधुर होने से ये कफ को भी समन कर देता है, तथा उष्ण, तीक्ष्ण और कटु होने से ये पित्त को थोड़ा बढ़ाता है। इसका बाहरी प्रयोग से दर्द, सूजन इत्यादि कम हो जाता है, इसीलिए इसे वेदना स्थापन या शोथहर बोला जाता है। ये व्रण शोथपाचन तथा तग्दोष हर है। इसका मतलब ये है कि कहीं घाव है उसके आसपास का जो सूजन है उस सूजन को वो खत्म कर देता है, और तग्दोष हर मतलब चमड़ा का कोई भी प्रॉब्लम ये खत्म कर देता है। इसका स्वरस दृष्टिशक्ति वर्धक मतलब आँख के रोशनी बढ़ाने वाला, तथा कर्णशूल हर है मतलब कान का दर्द को खत्म करने वाला होता है। नाड़ीशूल मतलब नसों का दर्द, व्रणशोथ यानी घाव के आसपास का जो सूजन है उसमें इसका कल्क को गर्म करके बांधते हैं। कैलास, व्यंग और नस आदि मुख रोगों में इसके स्वरस या कल्क का लेप या उद्वर्तन किया जाता है। दृष्टिमंद में इसके रस का मधु के साथ अंजन किया जाता है। कर्णशूल में
इसका स्वरस गर्म करके कान में डाला जाता है और उसमें कान का कोई भी दर्द खत्म हो जाता है। कान के अंदर का पीव या मवाद होने से भी ये प्याज का रस थोड़ा सा गर्म करके कान में डाल दीजिए दो बूंद, तो आपका कान का मवाद या दर्द जो भी है वो खत्म हो जाएगा। यह एक बात हर है, मतलब नाड़ीसूल, गृद्धसी जिसको साइटिका बोलते हैं, संधिवात, गाउट, आक्षेपक, योसा अपस्मार इत्यादि कई सारे बात रोगों में इसका व्यवहार होता है। और साथ में ये एक्चुअली मन के रज और तम दोनों दोषों को बढ़ाने के कारण ये अमेध्य होता है, यानी बुद्धि को थोड़ा कम करने वाला होता है। उष्ण होने से ये पाचन संस्थान के लिए दीपन, रोचन, अनुलमन एवं यकृत को उत्तेजना देने वाला होता है। लीवर को काफ़ी अच्छा स्वस्थ करने में मदद करता है, तो जिसके कारण ये अग्निबंध में या बीबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन में अर्स यानी बवासीर, कामला और गुदभ्रंश यानी अर्स और भगंदर इत्यादि जिस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, जो एनास में होता है, उसका ये उसमें जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है और ये आपको तुरंत रिजल्ट देने वाला भी होता है। प्याज रेगुलर बेसिस में अगर आप इसका यूज़ करें, कंद स्वरस 10 से 30 मिलीलीटर और इसका बीज का चूर्ण 1 से 3 ग्राम दिन भर में अगर आप व्यवहार करते रहें तो आपको अर्श से या बवासीर से पूर्ण छुटकारा मिल सकता है। कामला और जॉन्डिस वगैरह, कमला मतलब जॉन्डिस वगैरह जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, इससे आपको कम्प्लीटली छुटकारा मिल सकता है। उष्णता के कारण या और साथ में तीक्ष्ण होने की वजह से रक्त व संस्थान को उत्तेजित करता है। ये शोथ को भी दूर करता है, रक्त को आने जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और जिसके वजह से ये हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम्स या आपके इन्फ्लेमेशंस वगैरह जो भी है, ऑटोमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इसका उपयोग से बहुत लाभ आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, क्षीर पलांडू यानी सफ़ेद रंग वाला जो होता है वो रक्त का स्तंभन करता है, स्तंभन मतलब उसको जमाता है और रोक देता है। तो जिस जहाँ जहाँ रक्त स्राव होता है, जैसे रक्त अर्श है, रक्तार्सी जिसे बोलते हैं, या नाखों नाक से रक्त निकालना जिसे नासा रक्त स्राव बोलते हैं, और इस तरह का प्रॉब्लम में इसका रोकथाम के लिए क्षीर पलांडू का प्रयोग बहुत उत्तम होता है। यह तीक्ष्ण और स्निग्ध होने से छेदन और कफ निस्सारक का काम करता है, जिसके वजह से काश में देने से कफ बहुत आसानी से निकल जाता है और रोगी को बहुत बल मिलता है। इसके अलावा ये दमा और इत्यादि कोई भी प्रॉब्लम में भी इसका प्रयोग होता है और काफ़ी हद तक आपको तुरंत आराम देने में सक्षम है। जैसे प्याज के रस मधु के साथ आप अगर रेगुलर बेसिस में देते रहें, रात भर मधु लीजिए, थोड़ा सा शहद लीजिए और प्याज को टुकड़ा टुकड़ा में काट के उसमें भिगोने दे दीजिए और सुबह उठ के अगर आप उसका जितना भी है वो निकाल के खाली मधु को पिला दें तो अस्थमा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यह तीक्ष्ण है जिसके कारण यह मूत्रजनन है। मूत्रजनन मतलब ये बातिक जो भी मूत्र कृच्छत है, जहाँ पेशाब निकलना बहुत मुश्किल होता है और उस जगह पे कष्ट से पेशाब निकलता है या थोड़े थोड़े पेशाब निकलता है, अगर इस अवस्था में आप प्याज के रस रेगुलर बेसिस में देते रहें तो पेशाब निकलना बहुत आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रोस्टेट जो होता है हमारे शरीर में, उस वो अगर बढ़ जाता है तो उसको भी घटाने में बहुत मदद करता है।
या स्निग्ध मधुर होने की वजह से शुक्र जनन यानी शुक्र को बढ़ाने वाला, उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से वाजीकरण यानी काफ़ी देर तक आपके शुक्र को स्थिर रखने में, और आर्तव जन्म मतलब महिलाओं का, स्त्रियों का जो माहवारी का आर्तव होता है यानी खून होता है वो निकलने में प्रशस्त होता है, अंडे बनाने में बहुत प्रशस्त होता है, जिसके कारण ये शुक्र दुर्बल या क्लेब्बो मतलब जहां इम्पोटेंसी वगैरह का जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें बच्चे होते नहीं, इन्फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उस अवस्था में इसका प्रयोग बहुत उत्तम होता है। और माहवारी अगर प्रॉपरली सही मायने में ना हो, हर महीने में सही ना हो या इरेगुलर हो जाए, तो भी ये पलांडो यानी प्याज का सेवन आपके लिए बहुत लाभकर होता है। दोस्तों, प्याज एक ओजोवर्धक यानी आपके शरीर के रोगों का रोग प्रतिरोधक जो ताकत होता है वो बढ़ा देता है। इसके अलावा ये प्लेग या बिसुचिका आदि मारक रोगों से बचने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये आपके शरीर में दुर्बलता को ख़त्म कर देता है और इतने रोकथाम का ताकत इतना बढ़ा देता है कि जल्दी से आपके शरीर में रोगों का प्रकट होना बहुत मुश्किल होता है और आप सकुशल काफ़ी दिनों तक बिना रोग का निरोग काया पा सकते हैं। इसके अलावा अगर स्किन के लिए देखा जाए तो स्किन में ये इसमें जो है गंधक का अंश मिलता है दोस्तों, तो ये कंटुग्न मतलब एक्जिमा वगैरह जितने भी एलर्जी एक्जिमा जो स्किन का होता है वो उस तरह का कोई भी चर्म रोगों से निजात पाने के लिए आप पलांडो या प्याज का सेवन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस में। अब जानते हैं, चलिए इसका कौन सा अंग प्रयोग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। एक तो कंध जो माने प्याज के रूप में हम लोग खाते हैं और दूसरा इसका बीज है, और इसकी मात्रा मैंने जैसे बताया कंद स्वरस 10 से 30 मिलीलीटर प्रतिदिन और बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम प्रतिदिन। दोस्तों, इसका कुछ हानिकारक प्रभाव भी है यानी जिसको साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये मेधा के लिए हानिकारक है, ये बुद्धिवर्धक नहीं है, बुद्धि को घटाने वाला होता है, और बुद्धि को अगर घटाने वाला होता है तो उसमें अहितकर प्रभाव आ गया। हानिकारक प्रभाव को ख़त्म करने के लिए अनार का रस रेगुलर बेसिस में देना चाहिए, यानी आप अगर प्याज रेगुलर खाते हैं तो इसके अगर कोई भी अहितकर प्रभाव आपको दिखाई देता है तो आपका अनार का रस रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का इसका जो साइड इफेक्ट है वो आप तक ना पहुंच पाए। तो बाजीकरण चिकित्सा जिसमें इम्पोटेंसी वगैरह या आपके जो सेक्सुअल एफेक्शंस या माने ताकत कम हो जाने की वजह से जो चिकित्सा किया जाता है उसे बाजीकरण बोलते हैं, तो बीज का प्रयोग बाजीकरण के लिए अति उत्तम होता है। और साथ में अगर आप मोटापा को घटाना चाहते हैं तो भी बीज का सेवन आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये थे कुछ प्याज का प्रयोग। प्याज आप खाने में यूज़ करिए, रेगुलर बेसिस में यूज़ करिए, सोच समझ के यूज़ करिए और रेगुलर बेसिस में इसका फ़ायदा आप उठाते रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। हमने देखा 80% से ऊपर वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्याज के बारे में एक दो बातें और कहना बहुत ज़रूरी है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, इसके अलावा बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने के लिए यह बहुत उत्तम उपयोगी है। बाल माने बाल का चमकदार बनाना, बाल को चमकदार बनाने के लिए या उसके झड़ने को रोकने के लिए प्याज का रस आप निरंतर बाल में लगाएं।
एक दो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्याज का रस रात को लगा के आप लगा दीजिए, सुबह में उठ के आराम से धो लीजिए नहाते वक्त। इसके अलावा प्याज का रस और अंडा का रस एक साथ मिला के आप बाल पे लगा दीजिए, एक डेढ़ घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको धो लीजिए और आपका बाल झड़ना रुक जाएगा। इसके अलावा बाल चमकदार सिल्की टाइप का हो जाएगा। साथ में इसमें पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि रोग प्रतिरोधक ताकत तो बढ़ाता ही है, साथ में आपका जो मौसमी एलर्जी होता है जिसमें नज़ला जुखाम बहुत ज़्यादा होता है सीजन चेंज होने के लिए, सीजन चेंज होते समय, तो उसमें भी आप ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। रेगुलर बेसिस में प्याज का सेवन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।